उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, पूछ करने लगे कि PSL 7 जो के खतरे में पड़ गया है, बहुत ही ज्यादा मामला जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि रमीज राजा और PSL मालकान के दरमियान एक मीटिंग हुई है जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में ये डिस्कस की गई, लेकिन वहां पे बात जो है सुधरने के बजाय और ही ज्यादा बिगड़ गई, और ही ज्यादा क्रिटिकल मामला हो गए जब बहुत ही ज्यादा लाउड बहस हुई रमीज राजा के दरमियान और PSL के मालकान के दरमियान। ये फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के, फाइनेंशियल मॉडल को लेकर ये डिस्कस की गई। पहली मीटिंग जो की गई थी वो फ्राइडे को की गई PSL मालकान के साथ, लेकिन वो किसी भी खातर खा नतीजे पर ना पहुंच सकी। लेकिन उसके बाद मीटिंग की गई मंडे को, जहां पे रमीज राजा जो है अपना जो है टेम्परामेंट खो बैठे और उन्होंने PSL के मालकान को खरी खरी सुना दी। बात अगर हम करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर की, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो ये फाइनेंशियल मामला है, फाइनेंशियल मॉडल है जो वो हमें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, लेकिन जो है हम इस चीज को लेकर आगे नहीं चल सकते। लेकिन बहुत ही ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल उस वक्त हो गई जब ये मामला देखा गया कि जो PSL में हो सकता है PSL 7 जो है बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जावेद अफरीदी की, जावेद अफरीदी ने रमीज राजा से बात की और ये बताया कि हम लोग जो है इस फाइनेंशियल मॉडल को सूट नहीं कर रहे, जहां पर जावेद अफरीदी ने तो रमीज राजा ने कहा कि हमें आप लोग बिल्कुल भी ये चीज ना सिखाएं, क्योंकि अगर आप हमें ये चीज सिखाएंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा नैब के मामलों को देखने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि नैब के हवाले से रमीज राजा ने ये कहा कि अगर मैं आप लोगों के बताए हुए मॉडल को लेकर आगे चलता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है नैब को लेकर, क्योंकि मुझे नैब के चक्कर लगाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जो मॉडल आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो किसी भी तौर पर PCB के हक में नहीं है। इसलिए आप लोगों को जो है ये मामला देखने पड़ेंगे और ये जो मामला है करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये मामला लेकर नहीं चलते तो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी PSL 7 के लिए। जावेद अफरीदी की अगर मैं बात करूं, जावेद अफरीदी ने ये कहा कि PSL 7 जो है बहुत ही दो तीन महीनों में जो है ये शुरू होने जा रहा है और ये आपकी जो बातें हैं PSL 7 को खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन रमीज राजा ने बिल्कुल भी इन बातों पर तवज्जो न दी और नदीम उमर और जावेद अफरीदी को खरी खरी सुना दी। और दोस्तों आप देखना पड़ेगा कि PSL 7 में आया कि कौन सी जो पार्टी है वो विन करती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मामला है। रमीज राजा जो है बिल्कुल भी किसी की सुनने के हक में इस टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए PSL मालकान को देखा जाए, क्वेटा ग्लेडिएटर की बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है, और अगर हम बात करते हैं पेशावर जर्नी की, तो जावेद अफरीदी बहुत ही अच्छे तरीके से PSL में उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा दोस्तों अब आइंदा कुछ दिनों में क्या अपडेट्स मिलती हैं आपको। तमाम PSL 7 के से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगी, और ये वाहिद वो चैनल है जहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगी। तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी इसी तरह तरक्की करते रहेगा और PSL 7 के इंतजामिया और रमीज राजा और फ्रेंचाइज मालकान के दरमियान ये मामला बहुत जल्द सुधरे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।